कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 2024 में एक बार फिर एनडीए की जीत का दावा किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कितनी सीटें मांग रहे हैं, आगे क्या समीकरण बनाया है, इन सभी बातों पर उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत की है, सुनिएगा। हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, आपको भी पत्र लिखा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने, असली सम्मान कह रहे भाजपा में नहीं है, हमारे साथ है समाजवादी पार्टी। तो क्या ओबीसी के नेता इससे पहले जब उनके पास थे तो उन्होंने सम्मान किया था? अपने घर के टिकट दे देते हैं, दूसरे जो जीते हुए हैं नागेंद्र पटेल थे वो ओबीसी नहीं थे, फूलपुर से इंजीनियर निषाद पटेल ओबीसी नहीं थे उस समय, ये सब चलावा है। अगर वो सबको पत्र लिख रहे हैं, निर्दल आए और निर्दल आके सबसे समर्थन मांगे और समाजवादी पार्टी के भी ओबीसी के नेता समर्थन मांगे, क्या ओबीसी के नेता समाजवादी पार्टी वाले निर्दल रहेंगे तो समर्थन करेंगे? दल में रहकर इस तरीके की बातें करना, लोगों से समर्थन मांगा, एक तरीके से एक लोगों के लगता है कि उनके पास कुछ है नहीं और नहीं है इसलिए दूसरे को पर आरोप लगाकर। हम कहते हैं कि ओबीसी के इससे पहले सपा बसपा की सरकार थी, 30 सालों तक थी, ओबीसी के नेताओं को ओबीसी के नाम पर इनकी सरकार थी, क्या ओबीसी नेताओं को अगर उन्होंने सम्मान दिया होता, ओबीसी के लिए एक लाइन का कानून बनाया होता तो क्या ओबीसी के नेता उनके साथ जाते? आज भारतीय जनता पार्टी सभी जाति सभी धर्म ओबीसी के लिए देखो आयोग बनाया, ओबीसी को आरक्षण के साथ खड़ी रही सुप्रीम कोर्ट तक, ओबीसी के जितने भी हित हो सकते हैं योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के नेताओं के साथ है। सर, लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो गुड़ागणित में लगी हुई हैं कि किसके साथ जाए फायदा है, कौन हमको ज़्यादा सीटें देगा, कहाँ का समीकरण क्या बनना है। आपका सबसे बड़ी पार्टी है देश की, उसके साथ आपका गठबंधन है, तो लोकसभा चुनाव में आपका क्या गुड़ागणित कहता है, कितनी सीटें आप मांगेंगे, कितनी मिलेंगी? देखिए, हम लोग निषाद राज के वंशज, हम लोग मांगने वाले नहीं, देने वाले हैं, हम जीत देने वाले हैं। जब से मोदी के साथ आए हैं, योगी जी के साथ आए हैं, आपने देखा होगा 2019 में सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी हम लोग मछुआ समुदाय के लोग इकट्ठे होकर पूरे देश में योगी जी को जीत दिया है। हम लोग मांगने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2017 में एक सीटें थी, एक जीता था, 70 लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी बुलाई और कहीं नहीं इतनी जीतों पर आप जीत सकते हैं। और सो मैंने आप देखे होंगे कि 11 सीटें हारी भी मैंने ली थी भाजपा की, फिर भी उसमें 9 हमने जीती। तो हम लोग जीत देने वाले लोग हैं, सीट के लिए नहीं है। संजय निषाद जी का कहना है कि हम मांगने वाली पार्टी नहीं बल्कि देने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से खड़े हैं, सीटों का बंटवारा के बाद ये तो विषय बात का है, लेकिन समर्थन पूरा है और जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ तो समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन मांग रहे हैं, वो सपा छोड़ के निर्दलीय आ जाएं तभी ये उनका समर्थन करेंगे। कहना संजय निषाद के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।